हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नवभारती स्टडी सर्किल। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर्स कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर कहलाएगी और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर्स कहलाएंगी। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की कि वेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, और वो भी दो तरह से हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन कि ओरिएंटेशन के बेस पे हम वेक्टर्स को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और इफेक्ट के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट। तो हम बात करेंगे इन दोनों टाइप्स के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर्स की। तो देखिए, बेसिकली स्केलर जो क्वांटिटीज होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड आता है, एंड वेक्टर्स की अगर बात करें तो वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की बात होती है। मतलब अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड काम आ रहा है तब तो हम उसे कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। एंड वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ रही है तब हम उस फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर, अगर हम विद डायग्राम इसकी बात करना चाहें तो ये एक कार है। कार की लेंथ यहाँ पर लिखी गई है, लेंथ ऑफ अ कार इज 4.5 मीटर। तो इसको, इसकी लेंथ को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ी है, एक डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर काम नहीं आएंगी। तो लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो 4.5 मीटर है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से इस हम क्वांटिटी को कम्प्लीटली डिफाइन कर पा रहे हैं। उसी तरीके से मास ऑफ गोल्ड बार इज 1 kg, यहाँ मास है फिजिकल क्वांटिटी एंड इस फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1 kg। यहाँ भी किसी डायरेक्शन की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। उसी तरीके से टेम्परेचर इज 36.8 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है और 36.8 डिग्री सेल्सियस इसका मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर इस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड काम आ रहा है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ए स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली अ मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो क्या होगी, वो फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगी। इसको कुछ इस तरह से भी बोला जा सकता है कि किसी क्वांटिटी को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इसी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। एग्जांपल देख सकते हैं, मास केजी में लिखा जाता है, लेंथ जो है वो मीटर में लिखी जाती है, टाइम सेकंड में लिखा जाता है, टेम्परेचर केल्विन में लिखा जाता है, वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में लिखा जा रहा है, डेंसिटी जो है वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, इसका मतलब केजी पर मीटर क्यूब में डेंसिटी लिखी जाएगी। इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ में सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी की सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ वेक्टर। देखिए, इस डायग्राम में आपको कैलिफोर्निया नज़र आ रहा है एंड यहाँ पर नॉर्थ कैरोलिना है। तो पोजिशन ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की पोजिशन है फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना इज 3,600 किलोमीटर इन वेस्ट। तो ये ईस्ट डायरेक्शन है एंड वेस्ट डायरेक्शन ये हो गई। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि नॉर्थ कैलिफोर्निया से, नॉर्थ कैरोलिना से कैलिफोर्निया की जो पोजिशन है वो वेस्ट में 3,600 किलोमीटर है। तो यहाँ पर पोजीशन को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन का यूज़ आ रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन होती है पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पोजीशन हो गई एक फिजिकल क्वांटिटी, वेस्ट हो गई इसकी डायरेक्शन एंड 3,600 किलोमीटर हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो पोजीशन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चाहिएगी। उसी तरह से अगर हम बात करें यूएसए, ये वेस्ट में है एंड चाइना ईस्ट में है, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम यूएसए टू चाइना इज 11,600 किलोमीटर इन ईस्ट। तो यूएसए से, यहाँ से चाइना का जो डिस्प्लेसमेंट है, अब वो ईस्ट में एरो आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, मैग्नीट्यूड है उसका 11,600 किलोमीटर। लेकिन कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट में। चाइना हमारे पास यहाँ जो डायग्राम है इसके अंदर ईस्ट में है यूएसए से।
तो यहाँ हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है एंड जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है और साथ ही ईस्ट जो है वो इसको डायरेक्शन बता रही है। तो यहाँ ये जो फिजिकल क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, इसको कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ी है। तो इस तरह की ये क्वांटिटीज जो होंगी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटीज। सो अ वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो एग्जाम्पल है पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम एंड फोर्स। ये जितने भी 6 क्वांटिटीज़ यहाँ पर लिखी गई हैं, ये सब की सब जो क्वांटिटीज़ हैं वो अपने मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का को बताती है। तो डायरेक्शन को बताने के लिए यहाँ पर ये सारी के सारी क्वांटिटीज़ जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ में इंक्लूड होती है। अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम किसी वेक्टर को? देखो, एक वेक्टर को डिफाइन करने के लिए उसमें हेड की तरफ जो होगा वो एरो होगा एंड सिंगल पॉइंट की अगर हम बात करें उसको हम टेल कहते हैं। तो हेड एंड टेल से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एक वेक्टर को और ये जो वेक्टर है वो फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को बताएगा और ये जो है वो डायरेक्शन एक थीटा एंगल पर होगी। तो सिंबोलिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज ए बी वेक्टर। तो किसी भी डायरेक्शन, जैसे मान लो यहाँ पर ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है, तो बी की तरफ एरो है, इसका मतलब क्या, बी को हम बाद में लिखेंगे और ए से हम स्टार्ट करेंगे। ए स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए हमने ए को पहले लिखा है एंड बी जो है वो एंडिंग पॉइंट है इसलिए हमने बी को बाद में लिखा है, देन उसके ऊपर हमने वेक्टर बनाया है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके ऊपर एरो बना के। दे ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल कैपिटल लेटर। एक सिंगल कैपिटल लेटर से भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद एन एरो अबाउ इट। तो ये मान लो कोई ए फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए वेक्टर हम इसको लिख सकते हैं, उसी तरीके से बी वेक्टर, उसी तरीके से पी वेक्टर हम उसको लिख सकते हैं। सम वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर रेस्पेक्टिव सिंबल्स विद एन एरो अबाउ इट। तो पोजिशन है, पोजिशन को हम आर से डिफाइन करते हैं। अब पोजिशन एक फिजिकल क्वांटिटी होने के साथ साथ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये एरो बना के हमने क्या किया, ये तो पोजिशन को डिफाइन कर ही रहा है, इसके ऊपर जब हम वेक्टर पोजिशन लिखेंगे तो इसे हम लिखेंगे आर वेक्टर। जब हम वेलोसिटी को बताते हैं तो इसका फर्स्ट लेटर वी, तो वी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्स को हम बताते हैं तो एफ वेक्टर लिख के हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन के बेस पर जो वेक्टर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेलल वेक्टर्स की। टू वेक्टर्स आर सेट टू बी पैरेलल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन है किसी वेक्टर की तो वो वैसे ही जीरो डिग्री एंगल पर हो गए। तो सेम डायरेक्शन, जीरो डिग्री एंगल, ये क्या बताता है कि दोनों वेक्टर्स कहाँ हैं, पैरेलल पोजिशन पे हैं। तो दोनों ही पैरेलल होने के कारण ये पैरेलल वेक्टर्स होंगे। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये पी वेक्टर है एंड ये क्यू वेक्टर है। अब बात आती है कि इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे। देखो, टू पैरेलल वेक्टर्स पैरेलल तो होंगे ही, साथ ही क्या होंगे, अगर उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो। पैरेलल होने के साथ साथ अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो तो वो कहलाएंगे इक्वल वेक्टर्स। यहाँ हम बात कर रहे हैं दो सेम डायरेक्शन में हैं और सेम ही इनका मैग्नीट्यूड है और दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो ये क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर एंड इधर हम बात करते हैं पी क्यू वेक्टर की, तो पी वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वेक्टर। अब बात आती है एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। टू वेक्टर्स आर सेट टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देखिए, पैरेलल तो है लेकिन एंटी पैरेलल क्या होगा, जब इनकी डायरेक्शन जो है वो ओपोजिट होगी। मान लो ए वेक्टर जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो बी वेक्टर अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा तो वो होगा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। उसी तरीके से पी यहाँ पर मान लो माइनस एक्स डायरेक्शन में है और क्यू प्लस एक्स डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या होंगे, आपस में एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे।
अब बात आती है नेगेटिव वेक्टर्स की। नेगेटिव वेक्टर्स में क्या होगा, अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है एंड डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण ही तो हम पैरेलल वेक्टर्स को एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन जो है वो इनकी ऑपोजिट है एंड दोनों पैरेलल है। तो टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड सेम है इनका तभी इसको हम क्या लिख पाएंगे, ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर। उसी तरीके से यहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो पी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस क्यू वेक्टर हम इसको लिखेंगे। तो ये दोनों कहलाएंगे नेगेटिव वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ दे एक्ट अलोंग अ सेम लाइन। अगर ये सेम लाइन के अलोंग हैं तो ये कोलिनियर वेक्टर होंगे। अगर हम बात करें एक लाइन में हैं लेकिन ये दोनों के डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, उसी तरीके से अगर सेम डायरेक्शन है लेकिन एक लाइन में है तो वो क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। को इनिशियल वेक्टर क्या होंगे, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर्स इफ दे हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट। देखिए यहाँ से ये वेक्टर निकल रहा है, ये ए बी सी डी जो वेक्टर्स है वो इस पॉइंट से निकल रहे हैं, यानी ये इसका इन सभी वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट है एंड ये जो एरो है वो क्या बता रहा है, इनका एंडिंग पॉइंट बता रहा है या फिर इस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इनिशियल पॉइंट यहाँ है तो ये क्या होगा, को इनिशियल वैक्टर्स होंगे क्योंकि इस पॉइंट से ही ये सारे के सारे वैक्टर्स जो है वो आउटसाइड आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे वेक्टर्स होंगे को इनिशियल वेक्टर्स। अब बात आती है जब हमने को इनिशियल वेक्टर पढ़ा, अगर ये सारे इस पॉइंट पर आकर मिल जाए तब क्या होगा, वो होगा को टर्मिनस वेक्टर। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी को टर्मिनस वेक्टर इफ दे हैव कॉमन टर्मिनल पॉइंट। देखिए टर्मिनल पॉइंट तो ये होता है, तो यहाँ क्या होगा, कॉमन टर्मिनल पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, सारे के सारे वेक्टर जो है उनका एरोज जो है वो एक ही पॉइंट पर है, तो ये हो गया को टर्मिनस वेक्टर। अब बात आती है को प्लैनर वेक्टर। थ्री और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी को प्लैनर वेक्टर्स इफ दे लाई इन सेम प्लेन। मान लो ये एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन ले सकते हैं या फिर वाई जेड ले सकते हैं या फिर जेड एक्स ले सकते हैं। एक हमने प्लेन ले लिया है, इस प्लेन में ही अगर सारे के सारे वेक्टर्स हों तो वो होंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब क्या है, अगर वेक्टर्स किसमें हो, स्पेस में हो। थ्री और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इफ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस। तो यहाँ एक क्यूब की बात हो रही है, इस क्यूब से इस पॉइंट से ये तीनों वेक्टर्स निकल रहे हैं लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में, और अलग अलग डायरेक्शन में होने के कारण वो एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जा सकते हैं, यानी कि वो एक स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो ये कहलाएंगे नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट। पिछले अभी हमने टॉपिक पे बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, अब हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट। तो इफेक्ट के बेसिस पे वेक्टर्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले आता है पोलर वेक्टर्स। वेक्टर्स हैविंग स्ट्रेट लाइन इफेक्ट आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर दो पोल्स बनते हैं। दो पोल्स का मतलब क्या है, मान लो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट है, वो एक लीनियर इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा है, एक लीनियर इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर वो एक स्ट्रेट लाइन में है। एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सब क्या है, एक लाइन इफेक्ट क्रिएट करते हैं अगर, तो वो वेक्टर्स होंगे पोलर वेक्टर्स। उसी तरीके से अगर हम बात करें एक्सियल वेक्टर की, तो वेक्टर्स हैविंग रोटेशनल इफेक्ट आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। देखिए हमने यहाँ पर बात की थी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की। अगर ये तीनों ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन हो तो हो जाएगा रोटेशनल इफेक्ट। यहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट होगा,
सब में एंगल बनेगा। एंगुलर का मतलब क्या है, यहाँ पर थीटा एंगल बनता है। थीटा एंगल मतलब अगर रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, कोई भी पार्टिकल एक एक्सियल लाइन के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टॉर्क, ये सब क्या होंगे, एक रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करने के कारण एक्सियल वेक्टर्स में काउंट होंगे। तो आज आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज हमने पढ़े हैं स्केलर एंड वेक्टर्स। स्केलर क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, एंड वेक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। साथ ही हमने वेक्टर्स के दो टाइप्स पढ़े हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।